तो चलिए बच्चों एक और रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, वो है दे ब्रॉगली वेवलेंथ और वोल्टेज यानी पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। एक बात सब लोग ध्यान रखिए कि जैसे ये हमारा कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और हमने यहां पे कोई बैटरी लगा रखी है जिसका वोल्टेज वी है, वी वोल्ट। तो आप सब जानते हैं कि जो करंट है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर फ्लो करती है, और करंट जो फ्लो करती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। हाँ ये है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से प्लस की ओर और करंट फ्लो करती है प्लस से माइनस की ओर। ये एक कन्वेंशन चली आ रही है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर फ्लो करता है और करंट इसका उल्टा प्लस से माइनस की ओर फ्लो करती है। तो करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से आती है। अब कोई भी पार्टिकल बेटा कब फ्लो करेगा, जब वो रन करेगा, और किसी भी पार्टिकल को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इस सिचुएशन में जो कि एक सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऐसे में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। तो सब लोग ध्यान रखिएगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उसका वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। यहां पर मैं V का मतलब लिख देता हूं, V है वोल्टेज या पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू ई, आपको ये रिलेशन मिल गई। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि लैम्डा होता है एच अपॉन रूट टू एम के, तो यू कैन पुट के इक्वल टू क्यू ई इन दिस रिलेशन। तो लैम्डा आ जाएगा एच अपॉन रूट टू एम क्यू ई। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बस वो जो एच अपॉन रूट टू एम के ई फॉर्मूला है उसी में के इक्वल टू आपको क्यू ई पुट कर देना है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो लैम्डा आएगा, लैम्डा ई मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, तो हम एच की वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 31, और हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू वी। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट वी को बाहर कर देंगे और इस सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है वो आती है 12.26 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेटली। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को वी वोल्टेज दिया जा रहा है, अगर वी वोल्ट बैटरी का जो पोटेंशियल है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो वी वोल्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी वो 12.26 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है भाई। तो यहां से ये भी समझ में आ रहा है कि जो लैम्डा होगा वो रूट वी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को दिया जाने वाला वोल्टेज 4 times कर दें, इलेक्ट्रॉन को दिया जाने वाला वोल्टेज 4 times कर दें तो उससे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, आप भी नोट करिए इस क्वेश्चन को, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके।
नहीं तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स ही बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम कराते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज बाय फोर टाइम्स, अगर इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज हम फोर टाइम्स इंक्रीज कर दें देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बिकम ए, ऑप्शन है फोर टाइम्स, बी ऑप्शन है वन बाई फोर टाइम्स, सी ऑप्शन है टू टाइम्स और डी ऑप्शन है वन बाई टू टाइम्स। सोचिए क्या आंसर होगा, दिमाग लगाइए कि अगर वोल्टेज को चार गुना कर दिया गया है तो इससे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चार गुना हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी, वन बाई फोर हो जाएगी या वन बाई टू हो जाएगी। तो इसका आंसर देखिए क्या है, अगर हम वी बराबर यहां पे फोर रख दें तो रूट फोर कितना होता है टू, और ये वन अपॉन है, यहां से साफ पता चल रहा है कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू अंडर रूट वी टू अपॉन वी वन। तो अगर हम लोग वोल्टेज को फोर टाइम्स किए हैं तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू ये हो जाएगा वी टू बराबर रख देंगे फोर वी वन, इनिशियल वैल्यू का फोर टाइम्स हो गया वोल्टेज और नीचे वी वन है तो वी वन वी वन कट गया, तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू यहां से आ गया रूट फोर यानी टू, तो लैम्डा टू जो होगा वो वन बाई टू लैम्डा वन होगा, यानी जो नई वेवलेंथ है वो पुरानी वेवलेंथ का हाफ आएगी। समझ आया बच्चों, तो इस वजह से इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, नीचे रूट वी आ रहा है और रूट वी डिनोमिनेटर में है तो रूट वी की जगह फोर करेंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा हाफ, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर सिस्टमेटिक वे में करना होगा तो ऐसे करेंगे भाई सिस्टमेटिक वे में। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था उसी फॉर्मूले के ऊपर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल और कराता हूं इसी रिलेशन के ऊपर। उसमें कहा जा रहा है कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ए ऑप्शन लेस देन 12.28 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है मोर देन 12.28 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम और सी ऑप्शन है इक्वल टू और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट, तो आपको बताना है प्रोटॉन की वेवलेंथ 12.28 अपॉन रूट वी से कम होगी या 12.28 अपॉन रूट वी से 12.28 अपॉन रूट वी से ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटॉन की वेवलेंथ के बारे में। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं।
तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे, तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी। तो आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में जो लैम्डा है वो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो लैम्डा कम आएगा, ठीक है। और सब जानते हैं कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन उसे कंपैरिजन में काफी हैवियर होता है। इलेक्ट्रॉन में आता है 10^-31 और प्रोटॉन के मास में आता है 10^-27। तो सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस रिलेशन से मास ज्यादा हो गया तो लैम्डा कम हो गया। कहने का मतलब जो प्रोटॉन की वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से कम आएगी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ज्यादा मास होने की वजह से प्रोटॉन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से कम होती है। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आप जानते हैं 12.28 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो इस वजह से इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। समझ गए बच्चों? चलिए अब आप एक छोटी सी और एक रिलेशन पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। छोटी सी रिलेशन है, उसको भी पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।